नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। जाति प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा संविधान 1994 के सभी राज्यों को आदेश पत्र जारी किया गया था, लेकिन इस देश में आदेश की उचित व्याख्या नहीं होने से अजा अज्जा के परिवार विगत 50-50 वर्षों से मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और जिनके बच्चों का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है एवं युवक युवती छात्र व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। जबलपुर ऑफ अपेक्षा जैन वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश याचिका क्रमांक 16-642/2016। जबलपुर इन सभी फैसलों से माननीय न्यायालय ने कहा कि जो परिवार मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और जिनके बच्चों का जन्म और शिक्षा मध्य प्रदेश में ही आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है, इसके बावजूद सरकार अजा अज्जा घुमंतू समाज को जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण का लाभ न देकर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। और मैं जाति प्रमाण पत्र अधिकार मंच का अध्यक्ष हूँ और विगत कई वर्षों से हम लोग जो है जाति प्रमाण पत्र अधिकार मंच के तत्वाधान में मैं और हमारे सहयोगी सभी साथियों के माध्यम से इस मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ और नट जाति और पारधी समाज की जो जातियाँ हैं इन जातियों से जो है जाति प्रमाण पत्र के नाम पर जो 1950 का जो रिकॉर्ड मांगा जाता है तो हमारा ये मानना है कि जो 1950 का जो रिकॉर्ड मांगा जाता है जो हमारे लोग उसको उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश से बाहर से जो लोग आए हुए थे वो यहाँ पर पलायन करके यहाँ पर अपना पेट और भरण पोषण करने के लिए आए थे, उनके पास रहने के लिए और खुद के जो है प्रॉपर्टी या राजस्व रिकॉर्ड नहीं होने के कारण जो है वो 1950 का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इस ओर हम लोगों ने पूर्व तत्कालीन सरकार और वर्तमान सरकार के सभी जिम्मेदार अधिकारी अफसरों और मंत्रियों को जो है ध्यानाकर्षण करने के लिए समय समय पे उनको जो है जाति प्रमाण पत्र अधिकार मंच के हमारे सहयोगी और हमारे माध्यम से जो है उनको इस बात को निरंतर अवगत करा रहे कि मध्य प्रदेश के अंदर में जो अनुसूचित जाति जनजाति अर्ध घुमक्कड़ और घुमक्कड़ जाति और पारधी समाज के बच्चों को जो जाति प्रमाण पत्र के नाम पर जो पढ़ाई में एजुकेशन में शासकीय नौकरियों में और आरक्षण का जो लाभ है उससे ये बच्चे वंचित हो रहे हैं जिनका भविष्य जो है उस जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से बिल्कुल अंधकारमय हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं शासन से हमारे आज ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि आपके द्वारा पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पत्रकार जो समाचार माध्यम होता है और एक पत्रकार स्तंभ जो चौथा स्तंभ होता है ये सही बात शासन और प्रशासन और अधिकारियों के पास हमारी आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से पहुंचा है कि मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के जो जाति प्रमाण पत्र बनाने में जो दिक्कत है और 1950 का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है उसको ना मांगते हुए इनको सरलीकरण करके जाति प्रमाण पत्र जो है जारी किया जाए ताकि इनको जो है मध्य प्रदेश की सभी सुविधाओं का लाभ मिले, ये उस लाभ से वंचित ना रहे। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। देश प्रदेश की खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।